सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डी के प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे अंकल जी से जो हमारे अंकल जी लगभग 60 से 70 वर्षों से बकरी पालन के क्षेत्र में हैं और इनके अनुभव के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इतना लंबा और इतना बड़ा अनुभव है हमारे इन अंकल जी को कि 60 से 70 वर्ष बता रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में। इनकी क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या खूबी होती हैं और क्यों हम बकरियों को पाल सकते हैं और इनमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, थोड़ा सा उनके विषय में भी हम जानेंगे। क्या क्या इनमें थोड़ी सी खूबियां हैं और इनमें क्या क्या कमी भी हैं, ये भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे अंकल जी के इतने बड़े अनुभव के विषय में। अभी हमारे अंकल जी के पास 15-16 बकरियाँ हैं जो हाल ही में या फिलहाल में इस समय मौजूद हैं। तो आइए हम मिलेंगे किसान साथी से, जानेंगे किसान साथी का नाम और पता। गुलाम रसूल नाम है बेटा मेरा और मैं रहने वाला मोहम्मदपुर कला का और 70 साल से क्या नाम है मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। 70 वर्ष क्या 70 वर्ष पालन। अब तो मुझ पर ऐसी हैं कि 20-25 बकरी है, जब मुझ पर 250 या 300 बकरी हुआ करे। एक ज़माना ये भी था आपके पास 250 और 300 बकरी। 300 बकरी थे। अब जगह छोड़ी है तो बेटा जगह जगह का कमी है तो बच्चे भी। अंकल जी हम जानेंगे बकरियों में जो ज़्यादातर बीमारियां आती हैं वो किस कारण आती हैं। बेटा जैसे बकरी मुर्गी में मतलब एक कीड़ा पैदा हो जाता है, ऐसे एक कीड़ा पैदा हो जाता है जिससे क्या नाम है बकरी को लहलुआ या बकरी को ऐसी बीमारी पकड़ लेती है कि बकरी मर जाती है और बकरियों में मरी फैल जाती है। बकरियों में मरी फैल बीमारी आ जाती है। और मैं जानना चाहूँगा अंकल जी कुछ बीमारियों का आप इलाज भी जानते हैं घर पे जो बेटा जैसे काली जीरी है और जैसी मतलब ये है क्या नाम है तुम्हारे मतलब मसाले हैं और जैसे क्या नाम है और दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल गोली है लो। अब बुखार बनना है बकरी को फौरन दे दो जो हमारी इंसानी दवाइयाँ हैं। हाँ वही काम कर जाती हैं जो इंसान पर कवर करती हैं दवाई, वही बकरी पर कर जाती हैं कवर। और जब ना ज़्यादा खावे तो इलायची लो, इलायची का दाना निकालो और उसे कूटो और कूटने के बाद काले नमक में मिला के थोड़ा थोड़ा नमक दे दो और न बकरी अपने को पकड़ लेंगे। अच्छा कहने का मतलब जो पाचन नहीं कर पाता हाँ। हमारा बच्चा और खाने के बाद खाना नहीं पचा पाता हाँ। उसके लिए आपने ये निवारण या हाँ। उपाय बताया है आपने हाँ। ये भी एक घरेलू उपाय है घरेलू। और आप घर पे रह के बिना कोई पैसा खर्च करे बगैर इस चीज़ को दे सकते हैं ना। और यदि आप हमको बच्चा अच्छा लेना है और बकरी भी हमारी स्वस्थ रहे जिससे हम प्रॉफिट अच्छा लें तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। भाई एक साल में एक ही दफा बकरी करानी चाहिए। एक साल में एक बार हमारी हाँ। बकरी क्रॉस करानी चाहिए हमको। और क्रॉस भी जाड़ों के लगभग जैसे जाड़े तुम्हें शुरू हो रहे हैं कि जाड़े शुरू होंगे तो लगभग करा दें और कराने के बाद भाटे में बकरी ब्यागी उस बच्चे की ज्यादा देख नहीं करी जाएगी और बच्चा अपने आप ही फर्मे हो जाएगा। उस बच्चे की मतलब देख रेख में वो तैयार हो जाएगा। कम देख रहे हैं, पहले हम 250-300 बकरी पाले, फिर हमने 10-20 पाली, अब हमारे पास 20-25 हैं बेटा। अब ज्यादा हमें हम पे जगह ही ना आ चुके पाले का। फिर आपकी उम्र भी है। और मैं अंकल जी थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा जो फार्म में बकरियां पालते हैं और जैसा आप खुले में चराने आए हैं, थोड़ा सा इसमें क्या अंतर है। देखो खुले में चुकने से बकरी को ये है कि ये चाहे बकरी अब घर ही चुक के आई है मगर इसमें ये अपने हाथ पैर खोल लेगी और थोड़ा सा अपने बदन को खोल लेगी और बैठ के उठ के जैसे इंसान क्या नाम है कभी किसी अजनबी जगह पे जाकर क्या नाम है अपने बदन खोल के क्या नाम सही हो जा, वो मकसद है वो। हाँ थोड़ा सा घूमेगी चरेगी, हर तरह की घास आती है उसमें बीमारियाँ भी कम आती है। बीमारियाँ कम और जैसे इंसान को एक्सरसाइज जरूरी है सुबह करनी तो इनको भी बाहर चराना जरूरी है जरूरी जिससे बीमारियां कम आती बीमारियां। और फार्म में एक हमारी स्थित जगह होती है, समान जगह होती है और वो वहीं पर रहती है तो उसमें बीमारियां आने का हमारा चांस ज्यादा होते हैं। उसमें कली मार दो जी जी, कली से क्या नाम धो दो फुनैन उससे धो दो सही जी करके जी, जो हमारे जो उसमें कीटाणु या वो है हाँ, वो सब खत्म हो जाए जो हमारी बैक्टीरियल डिसीज आती हाँ, है जो बीमारियां आती हैं वो उससे कम हो जाती उससे कम हो जाता। और लगभग कितने दिन के अंतराल पर देना कम से कम धुलाई जो करनी चाहिए दूसरे या चार चौथे दिन आठवें दिन तो कर ही देनी चाहिए। कम से कम आठवें दिन आप कर ही देनी चाहिए और जरूर कर देनी चाहिए उस समय। और सर ने एक सीक्रेट बहुत अच्छा बताया, यदि आप बकरियों से एक
साल में एक बार क्रॉस कराएंगे तो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बकरी भी सही स्वस्थ रहेगी। जो हमारा बकरा 10,000 का बिकने वाला है वो हमारा 50,000 तक भी बिकेगा, बिक जाएगा। एक साल का हम एक साल गैप देंगे, गैप दोगे। तो ये आपका एक सीक्रेट है बकरी पालन का। तो किसान साथियों, जैसा हमारे अंकल जी ने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी बकरी के विषय में, और उन्होंने बताया किसान साथियों हम बकरी से अच्छी बकरियां बनाने या अच्छी बच्चे लेने का जो सीक्रेट था उन्होंने बताया किसान साथियों अपने अनुभव के बारे में। सर का जो अनुभव था वो 60 वर्षों का अनुभव था, छोटा मोटा या थोड़ा बहुत अनुभव नहीं है, पिछले 60 वर्षों से बकरी पालन के क्षेत्र में किसान साथियों। और उन्होंने बताया भी कि वो अधिकतम 300 बकरियों तक भी पाल चुके हैं, अब जगह कम होने के कारण अब कम बकरियां पालते हैं। अभी भी सर के पास लगभग 20 से 25 बकरियां मौजूद हैं और बहुत अच्छी जानकारी दी एक बकरी विषय में। आपको ये जानकारी कैसी लगी किसान साथियों, आप कमेंट करके बताएं। किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।